आ गए हैं नए ब्लॉग के साथ और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चौहान जी आज में। तो आज ब्लॉगिंग स्टार्ट की है अरे मार्केट में देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़। आप लोग अभी सो के नहीं उठे हम लोग आज दिन भर थोड़ा काम में व्यस्त है। एक हमको सरस्वती पूजा का बैकग्राउंड की सीनियरी बनाने का कमीशन आया हुआ है तो उसी में थोड़ा बिजी थे। अभी दो तीन दिन उसी में बिजी रहेंगे सरस्वती पूजा तक। फिलहाल आए हैं मार्केट चिकन लेने लेकिन आप लोग दिखा नहीं सकते क्योंकि थोड़ा सही चीज़ नहीं लगता वो दिखाना, बनने के बाद दिखाएंगे। आज ब्लॉगिंग कर रहे हैं पूरा मार्केट में देख सकते हैं सब हम ही लोग को देख रहा है चारों तरफ से लेकिन हमको मज़ा आया। अब मज़ा आने लगा लोगों के बीच में जाके करने में बहुत मजा आता है। सब कुछ देखता है सब देखता है टेंशन मिलता है बहुत अच्छा लगता है। हाँ वही लोग समझ गए समझदार है मज़ा आता है। पहले थोड़ा लगता था शर्माते थे टेंशन टाइप के लगता था लेकिन अब ऐसे भी शरम नाच गा अब तो एकदम बेशरम हो गया। अब एकदम और मज़ा आता है जान बुझ के करने में और मज़ा आता है। चलते हैं चिकन लेते फिर कुछ खाते उसके बाद घर चलेंगे। देखिए आज हम लोग छेदा कर बटोरे छेदा करके जिससे भाप निकलता है क्या बताओ पूरा हैप्पी भाप खनता पेट है एम बड़ा बड़ा फूलेगा कुछ नहीं रहा क्या बना रहे फूड ब्लॉगर है ना यार तो। अरे भैया आटा को ऐसे कर रहे नहीं मैदा को अच्छा मैदा है इतना बड़ा रोटी इतना बड़ा रोटी इतना बड़ा रोटी इतना बड़ा पूरी है यार ये भी नहीं जानता छनाने वाला रोटी बोलते हैं छनाने वाला पूरी बोलते हैं क्या बोले आज अरे आज रिवेंज ले लिया और आज पहले ले लिया क्या करें ले लिए मारेंगे छोला भटूरा 900 का जूता गंदा हो गया थोड़ा 850 को अरे बेटा ये क्या है तो खाते हैं आज छोला भटूरा रखते हैं फोन को अंदर क्योंकि दोनों हाथ लगेगा ना। कहाँ आया आया है पवन पुत्र साउथ इंडियन डोसा सेंटर। कितना खाता है अभी तो छोला भटूरा खाया इधर के लिए ले जाना झूठ मत बोलो तीन को बनवा रहा हम लोग के लिए क्या करें तुम्हारे दो और एक निकू का तुम जैसे खाता ही नहीं तो बोल ही दिया तो बनवा ही दो आप दो कर ही दो एक से ठीक है दो तेरा एक तुम भी खाना लेकिन नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगता नहीं हमने खाया जल्दी जल्दी बोलो बनाएगा देखो बनी गया अब हम लोग आ जाएगा डोसा अब हम लोग चलते हैं घर मतलब डोसा खा के जल्दी से चलो आप रखो वीडियो रखो खाओ पहले जल्दी चलो घर जल्दी जाना हाँ चलो लेट हो जाएगा चिकन बनने में ना। डरिए मत मैं भी लाइट ऑन कर देता हूँ। तो ये सब ड्रामा मैंने क्रिएट किया था आज के वीडियो एडिट के लिए तो आप लोग डरिए मत। वैसे मैं बहुत ही खराब एक्टर हूँ मुझे पता कोई भी नहीं डरा होगा तो मार्केट से आने के बाद मैं बहुत ही सोच विचार में एकदम डीप थिंकिंग में गया हुआ था कि आज आप लोग को क्या एडिट करके दिखाऊँ क्या ड्रामा क्रिएट करूँ। तो मेरे अंदर आज एक और सुपर पावर आ गया है जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कभी स्पाइडरमैन का सुपर पावर आ जाता है तो कभी कैन क्रश कर देता हूँ। तो आज मेरे पास जो सुपर पावर आया वो बहुत ही एक्साइटिंग है उसी के लिए मैंने ये सब ड्रामा इतना क्रिएट किया था ये कैंडल वाला भूतिया ड्रामा। तो आज मैं इस कैंडल को जलाने वाला हूँ वो भी इतनी दूर से ठीक है और वो भी बिना माचिस को यहाँ सटाए हुए यहाँ से माचिस जला के ऐसे फ्लेम फेंक के जला के दिखाऊंगा आज आप लोगों को। तो जलाने से पहले इस कैंडल को बुझा देते हैं उसके बाद जला के आप लोगों को फिर से दिखाएंगे। तो देखिए आप लोग मेरा सुपर पावर है तो देखा मैंने आज बिना टच किए कैंडल को जला दिया। तो आप लोग डरिए मत कि मैं कभी कैन क्रश कर दे रहा हूँ कभी कैंडल जला दे रहा हूँ तो आप लोग ये चीज़ से डरिए मत मैं आप लोग को हार्म नहीं करूँगा मैं बहुत ही अच्छा सुपर पावर हूँ लोगों की रक्षा करूँगा। अबे साले तभी थोड़ा लेम था क्या खैर हॉलीवुड वाले भी यही करते हैं
में ये सब ड्रामा क्रिएट करके आप लोग के लिए लाया हूँ इतना अच्छा वीडियो। और अगर आप लोग को इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो वो भी मैं डाल दूंगा अपने ही चैनल पे, अपने ही चैनल पे डालूंगा। और कहाँ डालूंगा, मैं कुछ भी बोलता हूँ यार। आगे आप लोग से ऐसा एक्साइटिंग वीडियो मिस ना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि तुरंत से आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे वीडियो अपलोड होता है। तो वैसे वीडियो मैं 9 से 10 के बीच में अपलोड करता हूँ, अगर आप लोग रेगुलर हो तो आप लोगों को पता होगा। और कभी कभी लेट हो जाता है कुछ रीज़न से, बट कोशिश करता हूँ 9 से 10 के बीच में अपलोड कर देने का। और मेरे अंदर पता नहीं कैसे कैसे सुपर पावर आते जा रहा है, कभी स्पाइडरमैन का तो कभी कुछ, कभी ट्यूबलाइट का। ट्यूबलाइट पहाड़ ही लाया था ना, मैं कैन क्रश कर दिया, ठीक है, वो ट्यूबलाइट वाला पावर था। और क्या पता कल मेरे पास थॉर का पावर आ जाए तो हथौड़ा खींच लूँगा, या फिर कैप्टन अमेरिका का पावर आ जाए तो शील्ड आ जाएगा मेरे पास। और क्या पता वांडा विजन का पावर आ जाए, मैं अपनी आँखों की शक्तियों से कुछ भी हिला दूंगा। या फिर डीसी में चलते तो सुपरमैन का पावर, वैसे रे निकलेगा आँख से और सबको उड़ा दूंगा। या फ्लैश वाला पावर, एकदम स्पीड। खैर देखते हैं आगे कौन सा पावर आता है। आज तो मेरे पास कैंडल जलाने का पावर आया था, आगे देखिए कौन सा पावर आता है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, ताकि थोड़ा व्यूज़ आए। वैसे व्यूज़ आ रहा है, मुझे खुशी मिल रहा है। इस चैनल पे बने रहने के लिए बहुत ही थैंक यू, आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।